पटना से बड़ी खबर, अतिक्रमण पर लगेगा अब जुर्माना। अतिक्रमण को लेकर अब जिला प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है, एक्शन मोड में है। आपको बताते चलें कि स्थायी अतिक्रमण पर 2000 का जुर्माना लगेगा और अस्थायी अतिक्रमण करने पर 5000 का जुर्माना लगेगा। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अतिक्रमण के विरोध और हंगामा करने पर FIR की जाएगी। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, बताते चले अब आपको, अतिक्रमणकारियों पर अब शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। अतिक्रमण को लेकर के अब काफी ज्यादा सख्त है जिला प्रशासन। स्थायी अतिक्रमण पर 2000 का जुर्माना लगेगा और अस्थायी अतिक्रमण करने पर 5000 का जुर्माना लगेगा। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अतिक्रमण के विरोध और हंगामा करने पर FIR भी की जाएगी। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर, अतिक्रमण करने वालियों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन ने अब नया तरकीब सोचा है। अब अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, देखिए अब अतिक्रमणकारियों पर, अब अतिक्रमणकारी जो है उनको जुर्माना लगेगा अगर अतिक्रमण करते हैं तो, पूरी जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल देखिए कि राजधानी पटना में अगर बात करें तो अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। लगातार अतिक्रमण से राजधानी पटना का, चाहे पॉश इलाका हो या पुराना इलाका हो, अतिक्रमण से वो जूझता है और यही कारण है कि बार बार जाम की समस्या, दुर्घटनाएं, अलग अलग तरह की शिकायतें लोगों को मिलती है। और अब इस पर नगर निगम और जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं वो अब इस पर कहीं ना कहीं सख्त हुए हैं और अब इसी को लेकर एक नया नियम बनाया गया है कि अस्थायी तौर पर अगर आपने अतिक्रमण सरकारी जमीन पर किया है, सरकारी संपत्ति पर किया है, तो 20,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा और अस्थायी तौर पर अगर आपने अतिक्रमण किया है तो 5,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में अधिकारी शामिल हैं उन्हें साफ और सख्त लहजे में प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने ये चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दोबारा अतिक्रमण लगता है तो इस बात का भी ख्याल रखें और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अगर कोई हंगामा करता है, विरोध करता है, तो उस पर सीधे FIR कीजिए, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि जो अतिक्रमणकारी जो हैं उनका जो मनोबल है वो टूट सके। क्योंकि देखिए राजधानी पटना में अगर आप देखेंगे तो हमें जानकारी है कि कई ऐसे होटल्स हैं जिनका बाहर ठेला लगता है और वो उसी होटल से ताल्लुक रखता है और कोई इसमें लोग गरीब नहीं है और कोई मजबूर नहीं है, एक शगल बन चुका है और एक बड़ा नेक्सस चल रहा है जिसका मास्टरमाइंड कोई और है और ये सारी चीजें जो हैं वो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित हो रही हैं। ठीक है रितेश, बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।